हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते रमजान के दिन थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जमा हुआ था माल वगैरह ज़कात वगैरह उसकी निगहबानी मेरे जिम्मे लगाई थी। कहते मैं रात उसकी निगहबानी पे था, एक चोर आया, अनाज अपने थैले में भरने लगा। कहते मैंने देख लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो, मुसलमानों के माल से माल चुला रहे हो? कहते हुजूर माफ कर दें, बहुत गरीब हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माफी दे दें, आइंदा नहीं करूंगा, बस छोड़ दे मुझे। हजरत अबू हुरैरा कहते मुझे रहम आया, मैंने छोड़ दिया उसे। सुबह गया बारगाह रिसालत, आका फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ? नबी पाक को कैसे पता चला? आज तो सीसीटीवी लगाते हैं ना गोडाउन में, हैं सेठ साहब देख लेते हैं रात को क्या हुआ था। मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत कैसी है कि रात जो अबू हुरैरा के साथ हो रहा है आका खुद इरशाद फरमा रहे हैं। जबी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, आका जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका चोर था, पकड़ लिया था, मगर बड़ी मिन्नते करने लगा, माफिया मांगने लगा, हुजूर मुझे बड़ा रहम आया, मैंने उसे छोड़ दिया। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा बहुत बड़ा झूठा है, वो फिर आएगा। मैं बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। आका फरमा रहे अबू हुरैरा वो फिर आएगा। कहते मैं तो पहले से रेडी हो गया, अब आना ही आना है चोर ने। आका ने फरमाया अब तो आना ही है। चोर आया, कहते मैंने फिर पकड़ लिया। कहते तुम्हें मना किया था ऐसा मत करना, कल तुम माफी भी मांग के गए, फिर आ गए। कहते बस अब माफ कर दें, अब नहीं करूंगा, अल्लाह के वास्ते माफ करते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए मैं आ गया। कहते फिर मुझे रहम आया, मैंने छोड़ दिया। सुबह दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, ए अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ? कहते हुजूर वो आया तो था, मैंने जो है वो उसे माफ कर दिया, गरीब था, रोने लग गया था। आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ए अबू हुरैरा वो झूठा है, वो फिर आएगा। आए हाय, सैयदना अबू हुरैरा कहते अब तो मैंने ठान ली, अब इसने आना है, अब मैंने नहीं छोड़ना। फिर आया, मैंने फिर पकड़ लिया। मैं तो अजीब आदमी हूं, दो दिन से तुम्हें छोड़ रहा हूं, माफिया मांगते हो, तौबा करते हो, फिर आ जाते हो, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नबी पाक की बारगाह में ले जाऊंगा। कहता से ऐ अबू हुरैरा आज छोड़ दो, एक पते की बात बता के जाऊंगा। आपने पूछा बताओ क्या है, तो वो कहने लगा जब बिस्तर पर सोने जाने लगो ना तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी वजह से सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुम पर एक निगरान मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं भटकने पाएगा। सैयदना अबू हुरैरा कहते बात अच्छी बताई, मैंने छोड़ दिया। नबी पाक की बारगाह में तीसरे दिन हाजिर हुआ, आका अली सल्लम फरमाते ए अबू हुरैरा तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ? क्या हुजूर पकड़ लिया था, उसने एक बात सिखाई, फिर मैंने छोड़ दिया। अब पता है नबी पाक ने क्या फरमाया, हदीस का खुलासा है, अबू हुरैरा है तो ये बड़ा झूठा, लेकिन जो बात उसने कही है ना, बात उसने सही बताई है। तुम जानते हो अबू हुरैरा, तीन रातों से तुम्हारे पास कौन आ रहा था? कोई और नहीं, वो शैतान था। अल्लाह अकबर। यहां नबी पाक के इल्म गैब का भी पता चला, अल्लाह ने अपने हबीब अली सलाम को कैसा इल्म अता फरमाया ये भी सीखने को मिला। और दूसरी बात ये सीखने को मिली कि रात अगर सोते वक्त कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो सुभान अल्लाह, उसका फायदा क्या होगा कि सुबह तक एक फरिश्ता उसका निगहबान बन जाएगा। लोग घर के बाहर गार्ड बिठाते हैं, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास फरिश्ता खड़ा करने की बात कर रहा हूं। आए हाय, कुरान पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, कलमा पढ़ के, तौबा करके बावजू सोया करो। मगर आज तो हाल यह है कि कई लोग वो हैं जब तक म्यूजिक ना सुने तो नींद नहीं आती, फिल्में देखते देखते सोते हैं, कानों से हेडफोन लगे, बल्कि कुछ लोगों के बारे में पता चला कि वो मोबाइल या म्यूजिक सुनते सुनते ऑन ही रहता है, म्यूजिक उसी में नींद आती है। कैसी नींद है?